बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 मतगणना को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी एवं डीआईजी एसएसपी द्वारा मतगणना ड्यूटी में लगे। अधिकारियों एवं समस्त पुलिस फोर्स को किया गया ब्रीफ। बुलंदशहर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की दिनांक 1/03/2022 को मतगणना स्थल नवीन मंडी परिसर में होने वाली मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी, सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु को डीएम चंद्र प्रकाश सिंह एवं पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में संयुक्त रूप से अन्य अधिकारीगण की उपस्थिति में मतगणना ड्यूटी में लगाए गए समस्त अधिकारियों एवं पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग के समय सभी अधिकारियों कर्मचारी को चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में विस्तार से ब्रीफ करते हुए निर्देशित किया गया कि जिनको जो कार्य सौंपे गए हैं अथवा अपने ड्यूटी स्थान पर सतर्कता बरतते हुए कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि विधानसभा सामान्य निर्वाचन मतगणना को निष्पक्षता एवं शांति के वातावरण में सम्पन्न कराया जा सके, तथा मतगणना ड्यूटी के दौरान किन किन बातों ध्यान रखना है के बारे में विस्तृत रूप से ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग के समय अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र नाथ तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बजरंगबली चौरसिया व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध कमलेश बहादुर सहित क्षेत्राधिकारी गण एवं समस्त थाना प्रभारी आदि उपस्थित रहे। अधिकारी भी बोल जाते हैं, देखते एक गोली मार दी जाएगी, अगर गोली मार देंगे तो फिर 20 साल जांच भी चलेगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। तो हम लोग सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा काम लोगों को फैसिलिटेट करना, उत्पीड़न करना नहीं। हम सर्विसेज भी है, पुलिस से अपने आचरण से अपनी बाड़ी से ऐसा कोई माहौल क्रिएट न करे जो समस्या पैदा करने का कारण, और अगर कहीं पर प्रयोग की आवश्यकता भी पड़ती है तो इसमें काफी विकल्प है।